आप कई चमत्कारी जगह के बारे में सुने होंगे और देखे भी होंगे। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे जगह के बारे में बताऊंगा जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अगर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खरगोन में नर्मदा नदी जहाँ से बहती है। नर्मदा नदी से निकलने वाले सभी पत्थर शिवलिंग जैसे होते हैं। नर्मदा नदी में जितने पत्थर पाए जाते हैं एकदम हूबहू शिवलिंग जैसे होते हैं। इस पत्थर पर निशानियां भी मिलती हैं, जैसे किसी पत्थर पर ओम बना होता है, किसी पत्थर पर त्रिशूल बना होता है, किसी पत्थर पर टीका लगा होता है और किसी पत्थर पर हनुमान जी बने होते हैं। जो पत्थर शिवलिंग जैसे होते हैं और नर्मदा नदी से निकलते हैं उस पत्थर को नर्मदेश्वर कहते हैं। कहा जाता है कि नर्मदेश्वर की यह खासियत है, आप अगर नर्मदेश्वर महादेव का पत्थर लाते हैं तो उसे प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ता, आप सीधा नर्मदा नदी से पत्थर निकाल कर लाइए और घर में स्थापित कर दीजिए और इनका पूजा करना शुरू कर दीजिए। इस पत्थर को देखने के लिए और लाने के लिए बहुत लोग जाते हैं। यह आज तक रहस्य बना हुआ है कि यहाँ का पत्थर सभी शिवलिंग जैसे क्यों होते हैं। कहा जाता है कि पुराणों में इसके कई कथाएं हैं, जिसमें से एक यह बताया गया है कि एक बार नर्मदा नदी भोलेनाथ जी का तपस्या कर रही थी। उनके तपस्या से भोलेनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। तब नर्मदा ने कहा, भगवान तुच्छ वर मांगने से क्या लाभ, बस आपके चरण कमलों में स्थान बना रहे ऐसा वर दे दीजिए। नर्मदा जी का बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और कहा, हे नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने पत्थर हैं वो सब मेरे वर से शिवलिंग हो जाएंगे और यहाँ दर्शन मात्र से ही सबके सारे पाप धुल जाएंगे। नर्मदा जी यह वर सुनकर खुश हो गई। कहा जाता है कि तब से यहाँ के सारे पत्थर शिवलिंग हो गए हैं और लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं।